हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। और आज की सूचना हमें अवध विभाग के विभाग संघ संचालक आरएसएस बाबा गंगा बकर सिंह जी ने दिया है। और आपके दहलीज पर, घर की दहलीज पर एक बंदर जो है वो निढाल एकदम परेशान व्याकुल आकर आपकी चौखट पर आकर सिर रखकर उसने जो है अपने लिए मदद मांगी, अपना सर रखकर वहीं पर बेहोश हो गया। और आपकी सूचना पर जीवोत्थान सेवा समिति के वॉलेंटियर्स के साथ मैं भी वहाँ पर पहुँचा और देखा कि एक बंदर जो है जिसको बाबा ने पानी पिलाया था, थोड़ा सा चैतन्यता आ गई थी, वो एक वृक्ष के पास जो है बैठा हुआ था, सुस्त सा परेशान सा एकदम से बेचारा। तो उसको कैचर के माध्यम से हमारे भाई माधवेंद्र सिंह जी ने और दिव्यांश सिंह जी ने इसको कमांड किया, पकड़ा। और इसको देखा गया कि इसकी पीठ पर बहुत सारे घाव थे, इसकी आंखों के पास घाव था, इसके हाथ पर घाव था, इसके पेट पर घाव था, इसके पूंछ के आसपास घाव था, और इसका बैक बोन जो है वो पीछे से दिख रहा था, वो कट गया था ऊपर से। फिर इसको लकड़ी के माध्यम से दबाया गया जिससे कि इलाज के दौरान ज़्यादा हलचल ना कर सके, ज़्यादा उछल कूद ना करे और ना ही किसी को नुकसान पहुँचा सके। और ये बेचारा बहुत ज़्यादा ही सुस्त हो गया था। इसकी मदद को हमारे साथ सहयोग में आए सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो YouTube पर देख रहे हों, चाहे वो Facebook पर देख रहे हैं, चाहे वो Insta पर देख रहे हैं, निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। आपके लाइक शेयर कॉमेंट और से हमें और हमारी टीम के हर वॉलेंटियर को प्रोत्साहन मिलता है, एक नई उमंग आती है और ऐसे जीवों के प्रति कार्य करने के लिए सेवा भाव का और भी ज़्यादा प्रादुर्भाव होता है। देखिए इसकी आंखों के पास कैसे मैगेट्स पड़े हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद। ये एक मक्खी होती है जो कीड़ों को बीट के माध्यम से करती है और वो कीड़े धीरे धीरे जो है मांस पाकर और सड़े हुए मांस में घुस जाते हैं मांस पाकर। और जैसे ये अभी दिमाग के पास इसकी आंखों को ख़राब कर देगा, इसके मस्तिष्क में चला जाएगा और ये बंदर 10-15 दिन के अंदर मर जाएगा। इसको हम लोगों ने प्रत्येक जगह पर इसके मरहम लगाया और सारे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब के देख रेख में हुआ। डॉक्टर वरेंद्र वर्मा जी और डॉक्टर राम सनेही जी ने जैसा जैसा इलाज बताया वैसा वैसा इसका इलाज किया गया। इसका वीडियो भेजकर उनसे सलाह ली गई क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर थे क्षेत्र से। ये शाम का समय है, संध्या बेला है। तो खैर इसको ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो जाए और भगवान इसको स्वस्थ करें। और आप सभी से भी निवेदन है कि इसके लिए कमेंट में कुछ ना कुछ प्रार्थना के शब्द लिखें, कुछ ना कुछ प्रार्थना के वाक्य ज़रूर लिखें कि जिससे ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। बहुत ही परेशान है ये बंदर, एकदम निढाल हो गया है। देखिए एकदम से अपने आप को समर्पित कर दिया है, कोई हलचल नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, हमें एहतियात तो बरतना था कि किसी व्यक्ति को, क्योंकि दर्द में ये कुछ अटैक कर सकता था, उछल कूद कर सकता था, तो किसी भाई को हमारे चोट लग जाती है, काट लेता तो फिर समस्या हो जाती। तो पूरा एहतियात रखा गया। देखिए एकदम आसानी से ये अपने घाव का उपचार करवा रहा है। फिर और बाबा का बहुत धन्यवाद, बाबा की सहृदयता और दादा शिवेंद्र प्रताप सिंह, रमेंद्र प्रताप सिंह सबका जो सहयोग मिला और इस बंदर को हम लोगों ने स्वस्थ करने का ठाना और इसके मदद की हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी ये स्वस्थ हो जाए। और ये देखिए अब इसको छोड़ा गया है सभी लोगों को दूर करने के बाद, देखिए उठ नहीं पा रहा है, कितने कष्ट में था। आपको प्रतीत होता होगा कि देखिए कितना ज़्यादा दर्द था। और साथ में सहयोग में आए सभी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी सहयोग, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।